बरेली में आज 68वीं प्रदेश स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 18 मंडलों के विद्यालयों से लगभग 720 छात्र व छात्राएं प्रतिभाग कर रहे हैं, जिसमें अंडर 14, 16 और 19 शामिल हैं। बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्रों का नवंबर में टूर्नामेंट होगा, जिसमें विजयी छात्रों को विशेष उपलब्धि प्राप्त होगी। इस दौरान जिलाधिकारी बरेली रविंद्र कुमार ने कहा कि आज बरेली में 68वीं स्टेट वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें 14, 17 और 19 कैटेगरी के बच्चे शामिल हैं। इसके बाद जो भी यहां पर बेहतर प्रदर्शन करेंगे उनकी एक अंडर 17 टीम बनाई जाएगी, जिसकी प्रतियोगिता नवंबर में होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि बच्चों को मन लगाकर ध्यान पूर्वक इस खेल को खेलना चाहिए और हम लगातार बरेली में स्टेडियम को इम्प्रूव कर रहे हैं। खेलो इंडिया खेलों के तहत भी स्टेडियमों को बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अड़सठवीं प्रदेशीय वॉलीबॉल बालक एवं बालकों का आयोजन बरेली जनपद को मिला है और ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि इसके तुरंत बाद अंडर 17 बालक एवं बालिकाओं का नेशनल भी होना है। उससे पहले हमें ये प्रदेशीय प्रतियोगिता का आयोजन हमारे राजकीय इंटर कॉलेज में आयोजित हो रहा है और सभी 18 मंडल और 2 स्पोर्ट्स कॉलेज यहाँ प्रतिभाग करेंगे और इस टूर्नामेंट में हम लोगों ने 2 भागों में बांट दिया है। पहला जो है हम लोग 15 से 17 तारीख की 1 बजे तक बालकों का आयोजन कराएंगे, उसके बाद 1 बजे के बाद 17 तारीख से और 19 तारीख तक बालक का आयोजन होगा और इसके बाद हमारा जो है नवंबर में नेशनल होना है अंडर 17 का और हमारी पूरी टीम हमारे मंडलीय क्रीड़ा सचिव नईम अहमद जी का पूरा सहयोग है, उनके कर कमलों से और हमारे जिला विद्यालय निरीक्षक संयुक्त शिक्षा अधिकारी और प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज इन्हीं सभी लोगों के सहयोग से हमारी जो टीम लगी हुई पूरी है और हम लोग बरेली जनपद नहीं पूरे बरेली मंडल का नाम रोशन करेंगे और अपनी बरेली की एक नई छाप छोड़ के जाएंगे। मैम आपसे जानना चाहेंगे आज प्रदेशीय विश्वविद्यालय वॉलीबॉल प्रतियोगिता है, क्या कहना चाहेंगे? आज 68वीं प्रदेशीय अंतर विद्यालय वॉलीबॉल प्रतियोगिता बरेली मंडल में आयोजित करी जा रही है। यहाँ पे 18 मंडलों से करीब 720 बच्चे और लड़के और लड़कियाँ आए हुए हैं जो यहाँ पे अपना वॉलीबॉल खेलेंगे, अपने टैलेंट का प्रदर्शन करेंगे और जो सबसे अच्छी टीम होगी वो विजयी होगी। बरेली वासियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? बरेली वासियों के लिए कहना चाहेंगे कि वो लोग भी लगातार खेलों में इंटरेस्ट रखें और आजकल इसमें भी बहुत स्कोप है और आगे चल बढ़ के वो इसमें अपना करियर बना सकते हैं और अपने देश का नाम भी रोशन कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं और प्रतियोगिता नहीं ले पाते उनके लिए क्या कहना है? ग्रामीण क्षेत्र में भी जगह जगह हम लोग के द्वारा मनरेगा से स्टेडियम्स बनवाए गए हैं और उनकी प्रतिभा को भी निखारने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। प्रयास किया जा रहा है कि बच्चों को चाहे वो ग्रामीण हो या रूरल हो या अर्बन हो सबको अपॉर्चुनिटीज दी जाए। आजकल के छात्र गलत रास्ते पर चल रहे हैं, उसके लिए क्या संदेश देना है? जो ये जो खेल है यही बच्चों का स्ट्रेस कम करते हैं और एक बैलेंस्ड एजुकेशन के लिए बहुत जरूरी है। सर प्रदेशीय स्तर पर ये प्रतियोगिता चल रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये स्टेट लेवल की वॉलीबॉल कॉम्पिटिशन है जिसमें कि 14, 17 और 19 तीन कैटेगरी में बच्चे और बच्चियाँ आए हैं। इसके बाद एवरी कैटेगरी से स्टेट लेवल की टीम बनेगी जिनका कि नवंबर 2nd वीक में जनपद बरेली में ही अंडर 17 कैटेगरी का वॉलीबॉल नेशनल लेवल का वॉलीबॉल कंपटीशन है। इस अवसर पे मैं समस्त जो बच्चे बच्चियां हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको खेल भावना से खेलने और खेलने से ज़्यादा सीखने की अपील करते हुए उन्हें बधाई दूंगा।